हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की मेरी रेसिपी है वेज नूडल्स। घर पे वेज नूडल बनाना बहुत आसान है। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो इसको फिलिंग बनाते हैं, तो आप इसे लंच या डिनर में भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बच्चों को भी बहुत सारे वेजिटेबल खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को नूडल खाना बहुत पसंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल में मिस किचन को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। वेज नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम सारी सब्जियों को काट लेंगे। तो यहाँ पे मैं कैप्सिकम काट रही हूँ। कैप्सिकम के बिल्कुल पतले स्लाइसेस करने हैं और इसे लंबाई में काटना है, बिल्कुल इस तरह से। अब सारे कैप्सिकम मैंने काट लिए हैं, इसे अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। गाजर को भी हमें बिल्कुल उसी तरह काटना है। गाजर जो है आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बहुत अच्छा कलर भी ऐड करता है नूडल्स में, तो आप इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ये सारे गाजर भी कट चुके हैं। अब बारी आती है कैबेज की। तो ये कैबेज थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसका 1/4 हिस्सा ही यूज करूंगी। आप देख सकते हैं मैंने सारे वेजिटेबल्स को लंबाई में ही काटा है। कैबेज भी कट के तैयार है। नेक्स्ट है अनियन, ग्रीन चिलीज, ये कम तीखी वाली मिर्च है, गार्लिक, गार्लिक बहुत सारे यूज करना है, आप इसे ग्रेट करके भी दे सकते हैं, स्प्रिंग अनियन व्हाइट, इसे भी लंबाई में काटा है मैंने, और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। अब दूसरी तैयारी में हमें एक बर्तन में पानी बॉईल करना है। जब पानी में उबाल आ जाएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद ही इसमें हम नूडल्स ऐड करेंगे। जब नूडल्स सॉफ्ट हो जाएंगे, ये एक दूसरे से अलग होते रहेंगे, आप इसे चम्मच से भी अलग कर सकते हैं। नूडल्स को हमें अच्छे तरीके से पका लेना है, लेकिन ओवर कुक नहीं करना है, तो आप बीच बीच में इसे चेक करते रहें। जब ये हो जाएगा, इसे आप ड्रेन कर लें और ड्रेन करने के तुरंत बाद इसमें ठंडा पानी डालना है। इस तरह से आप नूडल्स को अलग कर लें। आप चाहे तो इसे अलग से प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा कर सकते हैं। तो इसे मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मेक श्योर कि ये ओवर कुक ना हो, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। फिर हम एक कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच तेल, ज्यादा तेल नहीं चाहिए हमें। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी करना है हमें, क्योंकि इसे हाई फ्लेम में कुक करना है। तो सबसे पहले चॉप्ड गार्लिक और हरी मिर्च डाल देंगे, इसे एक बार चला लें। गार्लिक जो है बहुत जल्दी ब्राउन होने लगता है, तो तुरंत ही आप प्याज डाल दें, क्योंकि गार्लिक अगर जल गया तो फिर उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसे हमें लगभग आधे मिनट तक पकाना है। जब थोड़ा सा प्याज पक जाएगा, इसके बाद इसमें हम डालेंगे गाजर और स्प्रिंग अनियन व्हाइट। गाजर जो है थोड़ा सा टाइम लेता है कुक होने में, इसलिए इसे हमने सबसे पहले डाला है। इसे भी कुछ देर के लिए पकाएंगे, फिर हम डालेंगे कैप्सिकम और कैबेज। सारी सब्जियों को हमें ऐसे टॉस करते हुए और लगातार चलाते हुए पकाना है, क्योंकि फ्लेम हाई है। मेक श्योर कि ये जल ना जाए नीचे से। सब्जियों को हमें उतना ही पकाना है कि वो कच्चा ना रहे, लेकिन उसमें क्रंच रहना चाहिए, तभी नूडल्स खाने का मजा आता है। और फिर नमक और ब्लैक पेपर भी डाल देंगे। नमक बहुत हिसाब से हमें डालना है, क्योंकि फिर हम लोग नूडल्स ऐड करेंगे और सॉसेस भी, तो सॉसेस में भी थोड़ा सा नमक होता है। इसे थोड़ी देर पकाने के बाद
जब ये थोड़ा पक जाएगा उसके बाद इसमें हम नूडल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले नूडल्स ऐड कर रही हूँ और इसे सब्जियों के साथ मिक्स कर लूँगी ताकि ये नीचे से सब्जियाँ जल ना जाए। फिर आप फ्लेम लो कर दें और बाकी के नूडल्स डाल दें। और इसमें सॉसेस ऐड करना है, ग्रीन चिली सॉस एक छोटा चम्मच, रेड चिली सॉस एक छोटा चम्मच, टोमेटो सॉस एक छोटा चम्मच और सोया सॉस डालना है हमें दो छोटे चम्मच। इसके बाद आप फ्लेम हाई कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इसे हमें और दो तीन मिनट तक पकाना है, पर इसे हमें लगातार टॉस करते हुए पकाना है तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और अंत में इसमें डालना है स्प्रिंग अनियंस। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।